अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल परदेसी स्क्वाड फैमिली, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? आज ईद का मौका है, सो वेलकम बैक टू अनदर ईद फैमिली व्लॉग। बाय द वे, आज ईद का दूसरा दिन है। कल हमने सोचा कि व्लॉग ना करें या ज़रा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ। तो कल हमारी ईद बहुत बहुत ज़बरदस्त गुजरी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की भी ईद अच्छी गुजरी हो। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या किया या आप लोगों की क्या रूटीन होती है ईद पे। और आज मैंने फिर से सोचा कि शलवार कमीज़ पहन लूँ। एज़ यू कैन सी, मैंने PS वेयर की शलवार कमीज़ पहनी है। और बाय द वे, rahimpardesi.com पे अभी जाएँ, बहुत बहुत ज़बरदस्त शलवार कमीज़ें आ गई हैं और आपको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह, इससे पहले कि वो सोल्ड आउट हो जाएँ। और बच्चों ने आज इंग्लिश कपड़े पहने हैं। हाँ जी सुभान, खोया हुआ है, TV में खोया हुआ है। ठीक ठाक हो? ईद डिनर पे जा रहे हो? हैं, मौजें हो रही हैं। कल इनको बड़ी ईदी मिली है। ये देख लें क्या ज़माना आ गया वैसे। हैं, एक ज़माना था कि हमें ईदी मिला करती थी और आज हमें ईदी देनी पड़ती है। एनीवेज, हिबा को ढूंढते हैं। हिबा कहाँ है? हिबा, लेट्स सी कि आज हिबा क्या पहन रही है। माशाल्लाह, आज हिबा बहुत बहुत प्यारी लग रही है। कल हिबा ने येलो पहना था और आज हिबा ने रेड पहना है। रेड या मरून? रेड। हाँ जी, वाह माशाल्लाह। तो कल बड़ी ईदी मिली है मैंने सुना है। कहाँ कहाँ छुपा के रखी है? बाबा के लिए क्या लोगी तुम ईदी से? कुछ भी नहीं, यही उम्मीद थी मुझे, यही उम्मीद थी। कर रही है, डांस कर रही है। Alright guys, so we are on the way. सबसे पहले हम जाएंगे फैमिली फ्रेंड के घर, क्योंकि आज दो फैमिलीज जा रही हैं हमारे साथ डिनर पे। तो वहाँ पहुँच के हम सिर्फ दो गाड़ियों में जाएंगे। तो भूख बहुत लगी हुई है, सो आई होप के जल्द से जल्द हम पहुँचे, क्योंकि रश काफ़ी है यहाँ पे। ये देखे जी, बैरिया टाउन ने आज अपना फुहारा ऑन करता जे। लोग नहा रहे ने, इंजॉय कर रहे ने। और बहरिया में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली ईद वाले दिनों में और न्यू ईयर्स वाले दिन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। हेलो, क्या हाल है? ओ, आंखों से लग रहा है कि इसकी नींद नहीं पूरी हुई। ओ, 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 ओ। माशाल्लाह, ये हमारे आमिर भाई हैं एंड मिसेज आमिर, जो कि नवा ही जोड़ा लग रहा है माशाल्लाह। वैसे नवे कपड़े पाए ने। तो आज आमिर भाई की ट्रीट हैगी। आमिर भाई, आमिर भाई क्यों क्यों ट्रीट दे रहे हैं? चले बता दें। बस यार, आप लोग से प्यार ही बहुत है यार। आए, और आमिर भाई को हमारा ड्रामा भी बड़ा पसंद आया। ड्रामा तो वाकई भी बड़ा अच्छा है यार। एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन और माशाल्लाह एक्टिंग अच्छी लगी भाई। एक्टर तो है ही ना वैसे, एक्टिंग तो माशाल्लाह घर दे विच भी तो बाहर भी। एक्टिंग तो थोड़े को ही सीखे ना। कमाल की एक्टिंग करते हो यार। शिगिर्द तो थोड़ा में शिगिर्द का यार, हमारा हम तो आपसे सीखते हैं। और ये देखें, एक और वलैती बाबू आ गए हैं हमारे फैमिली नंबर 2 यासर भाई। सेलिब्रिटी नहीं है ना ये? क्या हाल चाल है? लॉन्ग टाइम नो सी। बीन अ वाइल हैज़न्ट इट? दिस मैन, यू नो, दिस इज आवर न्यू सेलिब्रिटी मैन। यासर भाई जो है वो माशाल्लाह इज टॉप डॉन। no, आजकल no, किसी no, को लिफ्ट नहीं कराते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं? पाकिस्तान आ जाते हैं। आई थिंक वी मेट, द कोविड वाज द लास्ट टाइम वी सॉ ईच अदर प्रॉपर्ली। हमारी आखिरी मुलाकात कोविड पे हुई थी। बैडमिंटन यहां खेलते थे। हां, बैडमिंटन खेलते थे। 12-0 से हराया था ये जो नहीं भूलते हैं, जो मुझे एक दफा हरा दे वो भूलता ही नहीं। अच्छी चीजें हैं तो वो याद रखते हैं। लेकिन ये बॉडी देख लें माशाल्लाह, ये देखो ये असल बॉडी देखिए, ये चेक करें जरा माशाल्लाह। ये चेक करो ये। ऑलराइट, सो वी आर ऑफिशियली ऑन द वे। आमिर भाई बहुत भूख लगी है, यकीन करें। भूख मुझे भी बड़ी लगी है। खाना अगर अच्छा ना ना हुआ तो आपको पकड़ लेंगे। दिस इज अ रिकमेंडेशन by your wife, so I hope it's good. हाँ, बेगम से पा दियो। मैंने भी ना इसलिए ना आगे पे कोई चॉइस दी नहीं है। मैंने कहा चलो, if it doesn't go well, I will say it's your wife's fault. No. देख ले, देख ले। नहीं, सुना है खाना बहुत अच्छा है उधर जहाँ जा रहे हैं। बुफे सिस्टम है, रिव्यूज बड़े अच्छे हैं। उनको मैंने कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, तो कहते हैं कि सेलिब्रिटी का भी तो हार्ड वर्क होता है ना। वो होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। वो भी एक प्रोफेशन है, काम है एक।
जैसे हम कॉफी शॉप में कॉफी बनाते हैं वो भी एक काम है, डॉक्टर है वो भी काम, काम तो काम है। तो जिस जहाँ पे भी जाएंगे मेहनत मजदूरी करेंगे तो आपका मुकाम बनेगा ना। आप देखें ना माशाल्लाह आपने इतनी मेहनत की है, इतने सालों से कर रहे हो, सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यू गॉट वेरी गुड प्लेटफॉर्म नाउ। जियो पे आपका ड्रामा जो है वो ऑलमोस्ट हिट है माशाल्लाह, हमारे लिए तो हिट ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो एक्टिंग है, हर रोल जो आपने अदा किया है, इस स्पॉट ऑन इस एक्सेलेंट, और इवन कोई आपका डेब्यू था और माशाल्लाह यू डन रियली रियली गुड जॉब। तो क्रिकेट में डेब्यू होता है तो छक्का मारते हैं ना या सेंचुरी करते हैं, वो आपने काम किया इस फैमिली के। अरे बस दुआएं जी, बुजुर्गों की दुआएं, बड़ों की दुआएं और मेहनत। बुजुर्ग पीछे बैठे हैं दुआ मत दे रहे हैं प्लीज, हम बुजुर्ग नहीं है यार। आमिर भाई बहुत शरारती हैं आप, बुजुर्गों की दुआएं आपके साथ साथ ही, फिक्र ना करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद हमें जगह जो है फाइनली मिल चुकी है, टेबल जो है हमारा लग चुका है, थैंक गॉड। थोड़ा थोड़ा सब कुछ मैंने डाला। हाँ जी बच्चों क्या लिया, डोनट्स? अच्छा हिबा की प्लेट में क्या है, यम्मी यम्मी, नाइस वेरी नाइस। आए खाओ मोचा करो। मिठी है ये देखें गाइस, क्यूट फैंस फ्रॉम शेखुपुरा, और ये दावत दे रहे हैं मुझे, कह रहे हैं शेखुपुरा आओ हम आपको क्या खिलाओगे मुझे। गर्मियों में कौन फिश खाता है? अच्छा ये सबसे बड़ी फैन है नसरीन के, ये सब थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नहीं आप हैं, आप नसरीन हैं। अच्छा जी खाना आपने खा लिया है? अच्छा। और खाना यासर कैसा था? अच्छा था ना? ठीक ही था यार, ठीक ही था। I'd probably rate it 6 यार, जहाँ इतनी वैरायटी हो तो फिर कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। स्वीट्स वर नाइस, स्वीट्स बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था यार, स्वीट्स अच्छा था। हां बिल्कुल। तो अभी मैं यासर की गाड़ी चला रहा हूँ, माशाल्लाह इसने नई गाड़ी ली है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जी वैगन की तरह है, सेम टू सेम, सिर्फ लोगों का फर्क है। बाकी दिखाएं, जरा दिखाएं यासर, सेम टू सेम डिज़ाइन। अभी थोड़ी देर में आपको बाहर से भी दिखाता हूँ, और मैं तो भाई बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। वैसे क्या आपने क्या सोच के ली थी? And I initially thought it was a G-Wagon, but then when I went closer, I saw the bike. It's a bike. And as soon as I saw it, I just said, where did you buy it from? Basically, it was love at first sight. Yeah, yeah, that's what it was. And the next day I went and I purchased it. And do you mind sharing what you paid for this? I paid 1 crore rupiah for it. But I mean, dekhne mein ye lagti hai 3-4 crore ki gaadi lagti hai ye. Yeah. But but the downside to it is it's very heavy on fuel. That's why in Pakistan, yeah, that's why you don't see many around in Pakistan, and you need to put high octane in here, which is 320 rupees a litre. I think agar aapne locally zyada phirna hai to I think then is worth it. Yeah, it's well worth it. Yeah. Yep. और अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स रियली नाइस। अल्लाह आपकी किस्मत में करे, आमीन, और अल्लाह आपको और इस तरह की गाड़ियाँ दे और हमें भी लेके दे इंशाल्लाह, वाह अल्लाह। और अल्लाह हमें इस तरह की बॉडी भी दे दे। किस तरह की? ये जैसे आपने इतनी जबरदस्त बॉडी, बिल्डर भाई हैं, केले केले जिम लगा रहा है तू, कोई भाई का ख्याल नहीं रखता। खाना खाया? ये एक आधा दिन तो खैर है ना, चीटे चीटे चलता है यासर। कौन से टीके लगा रहा है हमें भी बता दे, जो तू लगा रहा है। अच्छा जी अभी हम आए हैं यासर भाई के घर, उन्होंने नया घर भी लिया है माशाल्लाह, वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उसकी गाड़ी दिखाते हैं।
अच्छा जी, ये थी यासिर की गाड़ी, अब आपको दिखाते हैं उनका नया घर। माशाल्लाह यासर, बहुत प्यारा घर है आपका, अल्लाह आपकी किस्मत में करे। ओहो थैंक यू सो मच। और ये जो डिजाइनिंग वगैरह, इंटीरियर डिजाइन, ये किसने किया, आपने खुद की है? वाह जी वाह। अब जो मेरा अगला घर होगा ना, वो आपने डिजाइन करना। नो प्रॉब्लम, डन हो गया डील। चले आमिर भाई, अब आपको मैं सिखाता हूँ पूल कैसे खेलते हैं। आमिर भाई आपको आती है? अमर भाई लगता फ्लूक्स फ्लूक्स खेल रहे हैं, तुक्के लग रहे हैं। उठ ओए जवाना, ए शेर लग गया ये। एंजॉयिंग, अच्छा है घर। मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे हम दोनों की तस्वीर डाली। जो जो भी काम किया है ना, सबसे बेहतरीन किया है। ड्रामे में, ड्रामे में और आज का दिन बहुत ही जबरदस्त था, बहुत एंजॉय किया। बच्चों आपने एंजॉय किया? Yes! और यासर के घर हमने बड़ा एंजॉय किया, उन्होंने हमारी बहुत सेवा की, चाय शाय पी, सेमियां खाई, हम मर्दों ने पूल खेला, बच्चों ने PS5 खेला, लेडीज ने लूडो खेली और एंड पे हमने सब मिलके ड्रामा देखा, हीर द हीरो सेकंड लास्ट जो एपिसोड थी। और मुझे ज़रूर पता है कि आपको ड्रामा पसंद आया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और हम आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।